आज माननीय राज्य मंत्री श्री नितिन अग्रवाल ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के साथ सदर तहसील के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। माननीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों को खाद्यान्न किट वितरित की, लोगों से जानकारी ली कि भोजन उपलब्ध हो रहा है या नहीं। माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है, पूरा प्रशासनिक अमला प्रभावितों को राहत देने के लिए सक्रिय है, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। जिन लोगों के घर टूट गए हैं उनको सरकार की ओर से आवास दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधान, लेखपाल, सचिव को लगातार प्रभावित क्षेत्र में रहने व प्रभावितों की मदद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने खाने की व्यवस्था के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि प्रशासन की ओर से भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी ग्रामीण पानी में पैदल ना निकले, दूषित जल ना पिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि पानी उतरते ही ग्रामों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर सुशील कुमार मिश्रा व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बार भी आया था 3-4-5 दिन पहले, आज भी आपके बीच में हूँ। और जो मैं अपने स्तर से जितनी भी मदद अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने परिवार वासियों के लिए कर सकता हूँ, आपका साथी, आपका बेटा आपके साथ हमेशा खड़ा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रशासन आपके साथ खड़ा है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी खड़ी हुई है। मैंने स्वास्थ्य विभाग के भी लोगों से कहा था कि पानी जैसे जैसे उतरना शुरू हो, नालियों में स्प्रे होना है, एंटी लार्वा का स्प्रे कर दें, दवाइयों का वितरण शुरू हो जाए, जहाँ पे पशु पक्षी पशुओं को कोई दवाइयों की आवश्यकता हो वहाँ पे उनकी पशु चिकित्सा अधिकारी देख ले उन लोगों को। पूरी ताकत से सारी, चाहे खाद्य विभाग की टीम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, चाहे तहसील के हमारे अधिकारी हो, सब लोग पूरी ताकत से आप लोगों की मदद के लिए खड़े होंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।